Hello everyone, welcome to Masala Dani. Today we are going to make tutti frutti. ये बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे वाटरमेलन के पील्स जो यूजुअली हम फेंक देते हैं. इस tutti frutti को आप महीनों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और ब्रेड्स में या डेजर्ट्स में जैसे आइसक्रीम्स जेलीज में यूज़ कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम वाटरमेलन के पील्स लेंगे. उसके अंदर का रेड पोर्शन जो होता है उसको केयरफुली निकाल दीजिए और ऊपर का ग्रीन वाला हार्ड कवर भी आप हटा दीजिए. अब जिस तरह मैं काट रही हूँ उसी तरह छोटे छोटे पीसेस में इसको काट लीजिए. एक बाउल में पानी उबाल लीजिए और उसमें इन टुकड़ों को डालकर अच्छी तरह पका लीजिए. इनका कलर ट्रांसलूसेंट हो जाना चाहिए. अब इसे छानकर अलग कर लीजिए. एक कढ़ाई में एक कटोरी चीनी, दो कटोरी पानी और एक चम्मच वेनिला एसेंस डालकर एक सिरप बनाइए. ये चाशनी पूरी तरह तैयार है. अब इसमें आप ये पके हुए वाटरमेलन डाल दीजिए. इसे आप 5 से 7 मिनट तक पकाइए जब तक वाटरमेलन इस सिरप को एब्जॉर्ब नहीं कर लेता. जितने कलर की टूटी फ्रूटी आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपनी टूटी फ्रूटी को अलग अलग बाउल में डाल दीजिए. कलर्स अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं. अब इसे 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे. 12 घंटे हो चुके हैं और टूटी फ्रूटी एकदम तैयार है. अगर आप टूटी फ्रूटी अभी नहीं खाना चाहते तो आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं. मेक श्योर दैट टूटी फ्रूटी इज कम्प्लीटली ड्राई बिफोर यू पुट इट इन अ एयरटाइट कंटेनर एंड स्टोर इट इन द फ्रिज. अगर किचन वेस्ट से बनी हुई ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो बेल आइकन को जरूर दबाएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग मसाला दानी. डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. थैंक यू.